अमित सेठ साहब, पहले आप मैक्स देख के बताओ कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड, मैक्स हेल्थ केयर। जी आशीष जी, मैक्स हेल्थ केयर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वन सेकंड, तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, अपने सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर ये 500 क्रॉस करता तो एक इसका 52 वीक हाई बनेगा। फिलहाल इसमें मोमेंटम अच्छा है, तो अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस 478 का रहेगा और टारगेट्स लगभग 505-510 के इसमें पॉसिबल है मैक्स हेल्थ में। मैक्स प्रशांत सावंत साहब, सोना BLW 18 करोड़ डॉलर्स के इन्फ्यूजन यहां पे भी आने हैं। आशीष जी, यहाँ पे हम करीबन 550 के आसपास कल क्लोज हुए। मुझे एक वीकली क्लोजिंग चाहिए, यानी जी आज की क्लोजिंग होगी वो मुझे 563 के ऊपर चाहिए। मैं एक दिन वेट करूंगा और अगर मंडे को मुझे दिख जाए कि ये 563 पे आज क्लोज हुआ है तो मेरे लिए पोजिशनल बाय होगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 540 क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि हम स्ट्रेट रैली फिर 650 तक के जोन तक भी दे सकते हैं, तो 565 मान के चलेंगे, 565 इसके ऊपर आज क्लोज होने दीजिए। मंडे को एंट्री करेंगे, 540 स्टॉप लॉस और 650 का टारगेट। ओके, चलिए ये बात हो गई दो मिड कैप्स की, लेकिन जो बिगेस्ट स्टॉक है उस पर भी एक राय ले लेते हैं। मानस कोटक का चार्ट देखिए, क्योंकि 1950 एक लगातार इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्या लग रहा है इस बार चार्ट को देखकर कि इस बार फाइनली उसको निकाल लेंगे? देखिए, एक बड़ा रेजिस्टेंस डेफिनेटली है, 1960 से लेकर 1990 की रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, काफी समय से वहां पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है इस बार का। मेरा समझना है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार ये जो रेंज है, रेजिस्टेंस रेंज है, उसको ब्रेक करके 2100 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करें। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 1990 के ऊपर होगी और उसके बाद आप शायद 100-125 रुपए की तेजी देख सकते हैं कोटक बैंक में, बट लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करिए। ये हो गए भाई MSCI में जो बड़े बड़े फ्लोज आने जहां जहां उन पे चर्चा, बाकी सारे स्टॉक्स ऐड कर लिए हम लोगों ने स्क्रीन पे, खुलने के बाद जहां जहां एक्शन आएगा एक्सपर्ट्स से उन पे बातचीत होती चली जाएगी। अब आप बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।